लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अकेला मत छोड़ो। मेरे इतने सालों के सर्विस में ऐसा पेशेंट मैंने आज तक नहीं देखा। अगर हम इसे अकेला छोड़ते हैं तो ये अपने सर को फोड़ता है और वहां से निकले हुए खून से दीवारों पे नाम लिख देता है। आप खुद देखो। कौन है ये विनायक राठौर? विनायक राठौर एक नेक पुलिस अफसर है। समय से कहीं बेल क्यों मार रहे भैया? रघु के पिताजी विनायक राठौर जी आते हैं तो 4 बज जाते हैं भैया। अंकल अंकल, अपने बेटे रघु को पहचान सकते हैं आप? ओ यस, देखेंगे। ओके, बकरों में जब एक बकरा अपने बछड़े को आसानी से पहचान सकता है तो मैं अपने बेटे को कैसे नहीं पहचानूंगा। आजा बेटा। मम्मी, अब मैं जा रहा हूँ। खाना खाकर जाइए ना। कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग है, इसे ड्रॉप करने के लिए आया था बस। बाय डैडी। आइए बच्चे के साथ बैठिए, आप दोनों की नजर उतारते हैं। यूनिफॉर्म चेंज करके आता हूँ। यूनिफॉर्म में ही नजर उतारनी पड़ती है। आइए अंदर चलिए। रघु, रघु उठो बेटा। चलो उठो उठो। इधर इधर ऐसे बैठ जाओ। हाँ, भूत की नजर, चोरों की नजर, पड़ोसी की नजर, सब लोगों की बुरी नजर से मेरे बेटे की, मेरे पति की रक्षा हो। चलो थूको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday dear Raghu, happy birthday to you. Raghu सो गया है क्या? नहीं पापा। बेटा आज बर्थडे कैसा लगा? सुपर। बेटा तुम्हारे किसी फ्रेंड ने गिफ्ट पर नाम नहीं लिखा, खोल कर देखा है मैंने, पता है उसमें क्या है? क्या है पापा? 4 पुराने कर्चीफ, 4 प्लेइंग कार्ड्स, 8 गुठियां, 8 पुराने कागज, 8 आठाने, 8 पेंसिल्स, कुछ वो कुछ ये सब बेकार के है ना? मैं समझ रहा था, मैं ही खोल कर देखा, लेकिन तुम भी पीछे नहीं हो, चोर कहीं का। अरे अरे, 4 बज गए, रघु स्कूल में वेट कर रहा होगा, क्या आप उसे लेने नहीं जाओगे? ये डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कल भी ले सकते हैं ना? टेंशन मत लो मीनाक्षी, रघु को लाने के लिए मैंने एक कांस्टेबल को भेज दिया है। अच्छा है,
हम अपने बच्चे को खुद नहीं लाकर दूसरे को लाने कहते, क्या ठीक है? चलो जी। अरे बेटा, मम्मी के पेट में तुम्हारा छोटा भाई है, ऐसा गट पकड़ोगे तो उसे चोट लगेगी। मम्मी शूज उतारो मम्मी। बेटा आज से मम्मी इस तरह से बैठकर तुम्हारे सॉक्स और शूज नहीं निकाल पाएगी। ये काम आज से मैं करूँगा। तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है ना, उसकी देखरेख वो करेगी और तुम्हारी देखरेख मैं कर लूँगा। रघु, अभी ये अर्जेंट काम से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। मैं आज से तुम्हारे लिए एक रिक्शा अरेंज किया है, तुम रोज उसमें बैठकर स्कूल चले जाना, समझ गए? हेलो बेटा, मैं तुम्हारा पिताजी बोल रहा हूँ। तुम्हें फोन किया था पुलिस स्टेशन को, मालूम पड़ा कि तुम कोर्ट गए हो। बेटा खुशखबरी की बात है, मैं दादा बन गया हूँ और एक बच्चे का। सुबह तकरीबन 11 बजे बच्चा पैदा हुआ है। मैंने पंडित से चेक करवाया तो उसने बताया कि बहुत ही अच्छा टाइम है, फिक्र की बात नहीं है, बच्चा बहुत तरक्की करेगा। बेटा जिस समय अपना रघु पैदा हुआ था तो उसका जो रंग था ना, उससे भी ज्यादा इस बच्चे का रंग अच्छा है, देखने में बिल्कुल अपने बाप जैसा लगता है। देखो अब ज्यादा लेट मत करो, जल्दी आ जाओ। ओले ले 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 ले। क्यों रोता बेटा? ओले ले ले। ओ ओ ओ। चुप हो जा, छोड़ो बेटा। सुनती हो, नाक बिल्कुल तुम्हारे पे गई है।
जल्दी चलो अम्मा, मैं ऑफिस को जा रहा हूँ। पापा, पापा क्या बात है बेटा? आज हमारे कॉलेज में फंक्शन है, आपको और माँ को वहाँ जरूर आना है। वहाँ आकर हम दोनों क्या करेंगे बेटा? अपने भैया को बुला लो ना। भैया कलेक्टर होने के नाते हमारे चीफ गेस्ट हैं, वो तो आएंगे ही, लेकिन आप लोग। रघु नाश्ता किया क्या? कर लिया माँ। अरे रुको रुको रुको, तुम्हें कितने बार कहा है कि तीनों एक साथ नहीं निकलना, लोगों की नजर बहुत बुरी होती है, जरा देख कर चलना चाहिए। पिता एसी, बड़ा आईएएस, छोटा बेटा डॉक्टर, सब एक साथ मिलकर बाहर निकलेंगे तो लोगों की बुरी नजर पड़ेगी ही ना। पहले आप जाइए। यस मैडम। ए क्या है माँ? कितनी बार कहा है बटन ठीक से लगाया करो। बाय माँ। ये क्या है? रॉकेट किसने फेंका है? ए क्या है? मैंने ही उस रॉकेट को छोड़ा है। सिक्योरिटी पकड़ो, पकड़ो उसे। स्टॉप इट, क्या कर रहा है? छोड़ दो उसे। ये क्या है? वो रॉकेट नहीं है सर, रिक्वेस्ट लेटर। लेटर? कलेक्टर सर, मेरा नाम रामू है, मेरे पिता स्वतंत्र सेनानी हैं, उन्हें पिछले 5 सालों से पेंशन नहीं मिला, वो बेड रेस्ट पर हैं, इसलिए यहाँ नहीं आ सके। मैं कई बार अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहा, मगर आपके लोग पहले तो मुझे अंदर आने ही नहीं दिए, और कई बार आपसे मिलाने के लिए पैसों को पूछा। हम बहुत गरीब लोग हैं सर, खाने खाने को तरस रहे हैं, पैसे कैसे दे सकते हैं, इसलिए चिट्ठी आप तक फेंकना पड़ा। हम बहुत परेशान हैं सर, अगर मेरे पिता का पेंशन रिलीज हो जाता है तो मैं और मेरी फैमिली आपका बहुत धन्यवाद करेगी सर। वेरी गुड। इस दुनिया को 4 आदमी बस है। अपने रिक्वेस्ट लेटर को रॉकेट के जरिए मुझ तक पहुंचाने का तुम्हारा ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। पैसा पूछा था? नहीं नहीं सर। नो 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 नो, झूठ मत बोलो। तेरे बारे में जानता हूं मैं, ये पहली बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है। तुम्हारी फैमिली का पोजीशन जानता हूं मैं, इसलिए चुप रहा आज तक। ए इधर आओ सर। तुम जाकर इसका सर फाइल लेकर फौरन मेरे पास पहुंचो, अभी इसका फाइनल करना है। ए मैं एसी रूम कलेक्टर नहीं हूं, बल्कि पब्लिक का कलेक्टर हूं मैं। मैं पब्लिक के लिए कलेक्टर बना हूं, पब्लिक के लिए ही काम करूंगा, और यहां पर रिश्वत का नाम सुनना तक नहीं चाहता मैं। अब जाकर फाइल लाओ। अब मैं माननीय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रघुराम जी से निवेदन करता हूं कि वो मैं पर आए। मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं, सॉरी 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 ब्रदर्स सिस्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सब ने मुझे चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट किया, और मैं एक कलेक्टर होने के नाते इस कॉलेज को आने के लिए एक्सेप्ट किया, मगर यहां कदम रखते ही मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट बन गया। किसी जमाने में जब मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट था, कोई माइक पर आए तो मैं भी आप ही की तरह खूब चिल्लाया करता। आज कॉलेज में जो डिबेट कंपटीशन हुआ था, उसमें हिस्सा लेने वालों ने यहाँ के सभी लोगों को बहुत इंप्रेस किया, लेकिन रिजल्ट में 2 नाम ऐसे हैं जिन्होंने सेम मार्क्स स्कोर किए हैं,
और उन दोनों में से अब मुझे सिर्फ एक नाम अनाउंस करना है। कंफर्म प्रेस तुम्हारी है रे। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मेरी बात पे ध्यान दीजिए, जो यहाँ हारे केवल यहीं हारे, जिंदगी में नहीं। जहां तक सूर्या का सवाल है, डिबेट कॉम्पिटिशन में इन सब में उसने जो कहना था कमांडिंग के साथ कह दिया, इसलिए उन दोनों में से एक नाम सूर्या का है। वैसे ही जहां तक प्रिया की बात है, उसने जो कहना चाहा उसमें एक इंटेलेक्चुअल टच था बस, जो मुझे पसंद आ गया। हर एक विषय में कमांडिंग जरूरी है, और अगर इंटेलेक्चुअल से आप लोग काम ना ले तो जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। अगर मेरी ये बातें तुम ध्यान में रखोगे तो आने वाला समय तुम्हारा होगा, लेकिन इंटेलेक्चुअल से काम लेने की वजह से प्रिया को 10 पॉइंट मैं अपनी तरफ से ज्यादा दे रहा हूँ। इस तरह प्रिया आज के कॉम्पिटिशन की विनर हो गई। सुप्रिया कमन तो दबाया। अरे ये क्या कर दी इन्होंने, सिर्फ नाम के कलेक्टर है क्या, तुमको हरा दिया? हे, उसके बारे में क्या जानते हो तुम? वो एक आईएएस ऑफिसर है और हमारे इस फंक्शन का चीफ गेस्ट है। उसका डिसीजन एकदम करेक्ट है, समझे? अरे सूर्या भैया, ये क्या अभी तक सोया नहीं? नहीं सॉरी, तुमको प्राइज नहीं देने की वजह से बहुत फील हो रहे हो क्या? नहीं तो आप वहां मेरे भाई जैसे नहीं आए ना। आपने वही किया जो एक चीफ गेस्ट को करना चाहिए। आपका डिसीजन बिल्कुल सही था। मुझे गर्व है अपने भाई के डिसीजन पर। आपने कोई गलती नहीं की और कभी आप गलती करते भी नहीं। एनीवे, तुम जरा सा भी फील नहीं हो? बिल्कुल नहीं। गुड नाइट। अगर तुम फील नहीं हुए, हाँ तो मैं हार गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ए, फेशियल करवाना है, कब जा रही हो? मैं भी आऊंगी रे। ए, देखकर चलो ना। अरे देखकर ही तो हम चल रहे हैं ना। सॉरी सॉरी डियर, माफी चाहता हूँ। ए सूर्य किधर है? वहां देखना। तेरा फूल सा चेहरा हमेशा निगाहों में घूमता रहता है। क्या बात है, इस उम्र में एक लड़का लड़की से क्या पूछता है तुझे मालूम है? ए, जाओ यार। ए, कह दिया ना तुमको अलग से कहना है क्या? जाओ। मैं? मुझे भी जाने के लिए कह रहे हो क्या? मेरे भाई के बारे में गलत बातें कही है ना तुमने? इसलिए तुम्हारा प्राइस उसको दे दिया उन्होंने, हमें बुरा लगा यार। तुम अपने भाई को कितना चाहते हो ये हम सबको पता है। मजाक में ऐसा कह दिया, माफ कर देना यार। चल चल रहने दे। अरे मतलब छोड़ो यार, कल पूरी रात मुझे तो नींद ही नहीं आई। क्यों क्यों? That girl disturbed me. Which girl? अरे वही रे, कॉलेज फंक्शन में इसका प्राइस छीन कर ले गई सुप्रिया, वही गर्ल। अरे यार सिर्फ तुझे ही नहीं, सारे कॉलेज को डिस्टर्ब कर दिया और इसे भी। अरे उसके बारे में ज्यादा क्यों सोचते हो तुम लोग, सब लड़कियों के जैसी प्रिया भी। हाँ। तुम्हारा प्राइस ले गई करके तुम्हें उस पर गुस्सा है ना? तुम इधर ही रहो। दोस्तों आज कॉलेज छोड़ के प्रिया को देखने उसके कॉलेज जाएंगे। जाएंगे क्या, वो डिसीजन लेकर 10 मिनट हो चुका है। अपने को रोमियो समझ रखा है ना? छेड़े तो लड़कियां कहती है ये बात। ऐसा कहने वाली किसी ने भी हमसे प्यार नहीं किया। यहाँ क्यों तुका? तुम नहीं बैठना कहकर। सर गुड मॉर्निंग। तुम मुझे कितनी इज्जत दे रहे हो ये मुझे मालूम है, नीचे उतरो।
सॉरी सर। कैसे हो सूर्या? इस लेटर को इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल तक एक चेयरमैन होने के नाते तुम कुछ पहुंचा दो। रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तुम प्रोग्राम फिनिश किए थे, वैसे ही लेटर भी वहां पहुंचा दो। श्योर सर। गुड। इधर क्या मीटिंग लगा रखी है? कुछ नहीं सर। चलो अपने अपने क्लासेस को जाओ। अरे अच्छा हुआ इसे रूम ग्राउंड फ्लोर पर मिला, अगर फर्स्ट फ्लोर पर मिलता तो ये हमें कॉलेज में पानी तक नहीं पीने देता। सॉरी चुप रहे सर। मेरे बाप ने तो मेरा लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाया, ना जाने क्या होगा हमारा यहाँ पर। तुम्हें बुलाए। इधर आओ। कौन सा कॉलेज है? मेडिकल कॉलेज। ऐसा है तो इधर क्यों आया? हमारा फ्रेंड सूर्य प्रिंसिपल से मिलने आया है, उसको हेल्प करने को आया। नाम क्या है? कुमार। तेरे को बाप है क्या? हाँ, एक है। तुम्हारा सरनेम जानने के लिए उसको बुलाना। हाँ हाँ सर, यस कुमार। कुमारा कुमारिया नहीं मालूम, पढ़ रहे हो ना? अनफॉर्चुनेटली। तो एबीसीडी मालूम? हाँ, वो हमें मालूम है। अच्छा तो लिख के दिखाओ। ए कमर से लिखना रहे। उसे कैसे लिखते भैया? हाथ निकाल, कमर से लिखता या उसको तोड़ दो। उसकी क्या जरूरत है, कर रहे ना। आ, 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 मुझे इतना ही आता है, इसे लिखने के लिए कहो। दो दिन से मेरी कमर में दर्द है, डॉक्टर ने रेस्ट लेने के लिए कहा था। हाय। हाय। क्यों इतना लेट? सॉरी यार। वो कार से उतरकर क्लासरूम तक जाने तक कोई उस पर नजर नहीं डाला, कितनी बार तुमसे कहना। अरे रे रे रे, लगता है ये बगैर मार खाए नहीं रह सकते। अब देखो तमाशा। भैया मैं यहाँ, मैं कॉलेज में हूँ भैया। हमारे प्रिया को कुछ लड़कों ने छेड़ा है, क्या करूँ? अभी पूजा खत्म करके पहुँचाऊंगा, प्रिया को कार में बिठाओ। ठीक है, जो कहा कर दूंगा। प्रिया सुनो माँ, भैया आ रहा है, तब तक कार में बैठो। ए तुम लोग जाओ, मैं बाद में आऊंगी। वो लोग वहां है, देखते क्या हो। चलो। ए, किसी को भी नहीं छोड़ना। ए, सब लोगों को तुम देख लो, उससे मैं देख लूंगा जिसने मेरे बहन को छेड़ा है। मैं कौन तुम्हें मालूम? मैं एमपी का बेटा हूँ। अबे तेरी एससी की एससी, तेरा बायोडेटा पूछा क्या? मेरी बहन को छेड़ा है तूने, तू बच नहीं सकता, तू कोई भी हो। कुछ नजर नहीं आता, क्या हो रहा है वहां पर यार? आज सच कह रहा है, सभी आउट फोकस में नजर आता है। सिर्फ वही नहीं, प्रिया भी कार में बैठी है और वो मुझे आउट ऑफ फोकस में नजर आती है। मुझे क्या हो गया? तुम सबको तो आउट ऑफ फोकस ही नजर आएगा, सिर्फ मैं जानता हूँ कि उसे फोकस में कैसे देखना है। सुना था छेड़े तो मार खाते हैं लोग, सिर्फ प्रिया को देखने से इतना मार खा गए वो लोग। कॉलेज को आया, पढ़ा लिखा, सर्टिफिकेट लिया, सिर्फ इतना ही सोचना है हमको, वरना मार खाना पड़ेगा यार। अरे कुछ देर तक वहाँ क्या हो रहा है समझ में नहीं आया था। अगर कहे तो भी तुमको समझ में नहीं आएगा, प्रिया और उसके बारे में बात करना एकदम डेंजर लगता है, अगर उसके बारे में बात करेंगे तो मार खाना पड़ेगा, समझे तुम लोग? सब समझ जाओ। मैं तो गाँव से आया हूँ भाई, सिटी में मार खा के मैं तो वापस कैसे जाऊँगा। इतने छोटे से इंसिडेंट से घबरा गए? जिंदगी में ऐसे कई आएंगे जिनका हमें सामना करना पड़ेगा, समझा? मर्द को दिल होना चाहिए। ए, पहले सिगरेट दो। ये बात सिर्फ तुम ही कह सकते हो यार, क्योंकि तुम्हारी एक पॉकेट में आईएएस ऑफिसर है, तुम्हारी दूसरी पॉकेट में तुम्हारा एसीपी बाप। अगर तुम किसी भी लड़की से कुछ कहो तो कोई तुम्हारा क्या बिगड़ सकता है? अगर तुम लव करना चाहते हो तो कर लो, हम तो वीडियो देख लेंगे तुम्हारा। ये हिम्मत वालों का काम है, और तुम सब छोड़कर भागना चाह रहे हो? तुम सबको अपना दोस्त कहते हुए शर्म आती है। अब तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे साथ आना है ना, हम सब की नसीब में अगर मार खाना लिखा है तो यही सही। चलो। आ, 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 आ,
हाथ में बॉल आ गया ना, अब देख लो वो भी आ जाएगी। या नहीं, दूसरी आ रही है दोस्त। एक्सक्यूज मी, कुड यू गिव मी द बॉल? हेलो, हिंदी में बात करना है। क्यों, तुम इंग्लिश नहीं समझती? नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुमको? मेरे को भी नहीं। थोड़ा बॉल दीजिए ना। थोड़ा मतलब आधा करके देना है क्या? हे, ये लोग मुझे सता रहे हैं। हे, ये सब मुझे सता रहे हैं। Thank you.
सी अमेरिका में क्या मिलता सूर्या, ये क्या? माँ ने बताया बाइक से गिरने पर तुझे चोट आ गई, जरा देखने तो दे। और ये क्या? छोटा सा जख्म है। तेरा आज से बाइक चलाना बंद। भैया, मैंने जो कह दिया कह दिया, बस। हेलो, राम प्यारे हैं? मैं कलेक्टर रघुराम बात कर रहा हूँ। हाँ, आप कैसे हैं? देखो प्यारे, फॉरन एग्जाम चाहिए भाई को। कब दे सकते हो? कल सवेरे। वो कितने बजे? मॉर्निंग, बट मॉर्निंग 10:30 to 12 एकदम खराब समय है, उससे पहले ही दे सको तो बेहतर होगा। ओके, थैंक यू। हाँ, क्या है? वो तो मुझे भाई से पूछना पड़ेगा। हाँ, कौन सा कलर चाहिए? मेटालिक ब्लू भैया। देखो, मेटालिक ब्लू आपके पास मिलेगा? मिल जाएगा तो फिर ओके, थैंक यू। देखो, मैं चेक प्यून के हाथ से भेज दूंगा, मगर डोर डिलीवरी करना पड़ेगा। हाँ यस, क्योंकि 9 से पहले भेजा तो भाई कार में कॉलेज जा सकता है। ओके प्यारे जी, थैंक यू। अभी कार की क्या जरूरत है? एए, तुम डॉक्टर बनने वाले हो, तुम्हारी सेफ्टी जरूरी है, समझ गए? अगर तुमको कुछ हो गया तो मैं कैसे जी सकता हूँ, है ना? भैया भैया कुछ भी नहीं, आज के बाद से कॉलेज तुम कार में जाया करोगे, बाइक पर नहीं, समझ गए? समझ गए ना? गुड नाइट। है ना, बहन भाईजान के लिए है, माँ पिताजी के लिए है। अब बची मेरी लाइफ, वो तो बिल्कुल खाली है। मैं रहता हूँ, अगर तुम हद पार करे तो। जा रहे हैं। ओके, थैंक्स। हमारे दुश्मन आ चुके, अब मुझे जाना पड़ेगा। या। मैं नई कार अच्छी है ना, कार ऐसी लग रही है। हेलो, बस करो। क्यों बे, कुत्ते की तरह दौड़ाना हमको? हम तो अभी तक मंदिर से सिर्फ चप्पल चुराते रहे, तू तो हमसे बड़ा निकला, कार चोरी करके लाया। आई लाइक योर फ्रेंडशिप। ज्यादा हो गया, आप बस करो। मेरी हवा निकाल दी ना। भैया ने प्यार से खरीद कर दिया है। भैया कार खरीद कर दिया है? नहीं तो, गवर्नमेंट देती है क्या?
प्रिया को छेड़ने के बाद मेरे सारे जाने जिगर दोस्त मुझे छोड़कर अकेला भाग गए थे ना, मैं अकेला ही उसके भाई के गुंडों के हाथ आ गया। वो छुपाकर बाइक से फिसलकर नीचे गिरने पर ये मार लग गया, कह दिया मैंने तो मुझे ये कार मिल गई। छोड़ भागा था, हम सब मिल गए तो गाड़ी स्केट हो गई बताने पर भैया ने कार खरीद कर दी। हमारे घरों में भी कोई ऐसा करने वाला भाई है क्या? किधर तो भी रहता है क्या? सूर्या का घर भाई। हां मैं अब तक वही तो कह रहा हूं, समझ लेना। हां समझ गया, नई कार आ गई है, कुछ पार्टी वार्टी। ये क्या, अरे रे रे रे, ये क्या कर रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। हम सबको एक ग्रैंड पार्टी चाहिए, कब और कहां इसका फैसला कर लो। अभी चलेंगे क्या? हाँ। मुझे एक 200 रुपए दे दो, कुछ काम है। इतने से काम नहीं चलेगा। दो किस लिए? कहा तो तुम नहीं दोगे। यार इस पार्टी के लिए 25 किलोमीटर लाया है इन्होंने। हाँ ये वीक में चौथा पार्टी है ना यार। पॉप का नहीं मिलाया? अबे तू वो ऑर्डिनरी पार्टियों के बारे में बात कर रहा है और उसको इसमें गिन रहा है। सूर्या पैंट खरीदने पर भी पार्टी और शर्ट खरीदने पर भी, अंडरवियर के लिए भी पार्टी मनाना है। मैंने ठीक कहा ना? अरे कौन कौन से मामला में पार्टी अपना ये भी नहीं मालूम है तुमको? जहाँ तक इस पार्टी का सवाल है इसके लिए प्रिया को थैंक्स कहना है तुम्हें। ए, ये रेस्टोरेंट उसी का है। सॉरी बा बेरा, इधर आओ। जी सर, और कुछ चाहिए आपको? एक 50 हैंडलोन दे दो। आपका गाँव? मैं मुंबई का रहने वाला हूँ सर। मैं तुमसे थोड़ी दूर हूँ। ए, छोड़ना। हाँ और कुछ? अच्छा जाने दे यार। जाओ बिल प्लीज। सूर्या क्या? उधर देख प्रिया है। प्रिया कहाँ है? हाँ अरे उधर है देख। अपने माता पिता को इस तरह से नहीं देखते, अगर लड़की का नाम लो तो बात कुछ और है। सॉरी मजाक किया। अपनी हद में रहो। ए, तुमने आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था क्या? नहीं रे। क्या तुमने? मैं भी नहीं। विदाउट ऑर्डर ये आइसक्रीम क्यों आया? हेलो, मैंने ऑर्डर किया था। हे, मत खाओ ये। खाना देना, तुझे नहीं खाना है मत खाओ। हाय, कैसा लगा आइसक्रीम? वेरी नाइस। सुपर्ब सूर्या। मगर ये मैडम क्यों नहीं खाई आइसक्रीम? उसका भी खाने का मन है पर प्रेस्टीज के बारे में सोच रही है। ए, शट अप। हेलो, हमें आइसक्रीम खिलाने वाले तुम कौन हो? कोई तुमसे पूछा था क्या? ये मेरे दिल की बातें पूछे बगैर ही खिलाना चाहा। नहीं समझी, ये पार्टी आपकी वजह से है। पहले दोस्तों के फोर्स पर पार्टी उन्हें देनी पड़ी। देखिए आपके भाई के दोस्तों ने मेरी बाइक के साथ जो सलूक किया उसकी वजह से मेरे भाई को मुझे एक नई कार दिलानी पड़ी, और नई कार की वजह से मैंने आप सबको एक पार्टी देनी चाहिए। जैसा मैंने सोचा आप सब इधर आ गए, बस मामला खत्म। देखने में तो अच्छा है मगर मेंटल लगता है। अब समझ में आ गया ना ये आइसक्रीम किस लिए? ए, लेट्स गो। हेलो, बिल प्लीज। बिल इन साहब ने पे कर दिया मैडम। कौन? मैं नहीं भाई, इन्होंने इन्होंने। हेलो मैडम, ये कार मेरी है। अभी मैंने जो अंदर पार्टी दी थी ना वो इसी कार की खुशी में थी। अब कहिए कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा आपको? कहिए कहिए। सॉरी, कार किसका है क्या है ये नहीं देखते लोग, डायरेक्ट उसमें बैठ जाते हैं। अरे ये क्या है? क्यों, क्या ब्रेक निकाल दिया क्या इन्होंने? अबे ये देख पैसे। पापा पैसे? हेलो, आपके बिल के पैसे भी है उसमें? बचे पैसों से डीजल भर लेना, अगर कम पड़े तो पूछ लेना। ओके ए कुमार, ये कैरेक्टर तो बहुत अच्छा लगा रहे मुझे। मैं नहीं समझा। हम लोगों ने उसे पार्टी देना चाहा लेकिन उल्टा वो हमें पार्टी दे गई, इसलिए आई लाइक हर। चल गाड़ी में बैठ। ये क्या सूर्या, प्राइस देखे बगैर वॉच पैक करवा रहे हो? माँ ये भाई के लिए कीमत की क्या बात है? मगर रानी का आएगी तो उधर देखो कलेक्टर पद है ना। अबे वाह, क्या देखा है तूने? इससे पहले मारे तो ब्लड नहीं निकला कहकर पैसे नहीं दिया साला। अब की बार ब्लड आने तक मारेंगे, पैसा ही पैसा साथ में जाली क्यों बे? मगर हम कैसे मारेंगे? अबे तुम हिंदी फिल्में नहीं देखता क्या? हीरोइन को पकड़ो हीरो अपने आप आ जाता है, उसी तरह इस लड़की को हम पकड़ेंगे तो हीरो आ जाएगा। फाइट शुरू, चलो। हे यू, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों छेड़ रहे हो उसे? हीरो इनके लिए आए तो उसकी बहन बीच में आ गई, इसको छोड़ेंगे तुमको पकड़। अरे ये कौन है मेरे बीच में आ गया?
मुझको मार दिया, उसे मारो रे मारो। भैया 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 भैया, जरा जल्दी दरवाजा खोलिए। क्या है, क्या बात है सूर्या? भैया पिताजी बाथरूम में गिर पड़े हैं, उन्हें क्या हो गया पता नहीं, आप चलकर देखिए ना। कुछ हुआ तो नहीं? पहले आप चलिए तो सही। भैया आपको बर्थडे का सरप्राइज देने के लिए ऐसा करना पड़ा। हाँ देखो बेटा रघु, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी बर्थडे कितना ग्रैंड अरेंज किया है। चलिए भैया पहले केक काटिए। चलो बेटा चलकर केक काटें। जल्दी काटिए ना भैया, सुबह से कुछ नहीं खाए हम लोग। केक काटना है इस ड्रेस में? इस ड्रेस को भैया, आप इस घर में कलेक्टर नहीं मेरे भाई है, बस आपको अब केक काटना है। चलिए देर मत कीजिए। अरे सुनो तो सही। हैप्पी बर्थडे टू रघु अन्ना रघु भैया। हैप्पी बर्थडे टू रघु अन्ना। हैप्पी बर्थडे टू रघु बेटा।
लो ये खा लो। पिताजी आप पहले माँ माँ आप देख लीजिए। आप हटिए भैया। माँ ये ये माँ ये पापा को खिलाओ। ये वॉच की क्या कैसी भैया पसंद आई? जरा कान को लगा कर तो सुनिए। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ए, तुम लोग विश करो ना भैया। क्या सोच रहे हो? दो ना। तुम वहां क्या कर रहे हो? सामने आओ ना इधर। ए, ये सर को क्या हो गया? हाँ कुछ नहीं, तुम्हारे लिए वॉच खरीदने मार्केट को गए थे। वहाँ पे कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे थे और ये महाशय बीच में जा पड़ा। उसी का चोट दिख रहा है इसके सिर पे। ये क्या है? किसने तुम्हें मारा है? उस झगड़े में जाने की क्या जरूरत थी? नहीं भैया, उस लड़की को बचाने के लिए जब किसी लड़की के लिए तुम क्यों घुस गए थे बीच में? मेरी बात ध्यान से सुनो, आइंदा इस तरह के झगड़ों में बिल्कुल नहीं जाना तुम, प्लीज। हे, यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे कुछ बात करनी है मुझे। क्या बात करना है? कार को चलने के लिए कहिए, रास्ते में बात करेंगे हम। चलो ड्राइवर। हाँ अब बताओ सूर्या, कल बर्थडे पार्टी में अनजान लड़की के लिए क्यों लड़ते हो कहा था? वो अनजान लड़की नहीं है, उसका नाम है प्रिया, उसे आप भी जानते हैं। कॉलेज फंक्शन में जब आप जज बनकर आए थे तो अपने हाथों से इस लड़की को प्राइज दिया था। उस लड़की को प्यार करना या नहीं, यह आप ही को डिसाइड करना है। उस लड़की से मैं कितना प्यार करता हूँ मैं आपसे डायरेक्ट कह नहीं सकता हूँ, इसीलिए इस कैसेट में रिकॉर्ड कर दिया है मैंने, कहीं सुन लीजिएगा रास्ते में प्लीज भैया प्लीज। ओके आई ट्रस्ट यू भैया, हम दोनों को मिलाने की जिम्मेदारी अब आप ही की है। ओके थैंक्स। ड्राइवर प्लीज जरा गाड़ी तो रोकना। ड्राइवर ओके बाय। आपसे ही मिलने के लिए। मुझसे क्यों? आपसे कुछ बात करनी है। मेरा एक भाई है, उसका नाम है सूर्या, वो मेडिको है, अपने कॉलेज की तरफ से आपसे मुकाबला किया था। जी मालूम है। उसी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ मैं, आप गलत तो नहीं समझेंगे? कोई बात नहीं, जो कहना है कहिए। मेरे भाई को आप बहुत पसंद है, वो बहुत शर्मिला है, इसलिए मुझे उसकी तरफ से कहना पड़ रहा है। सूर्या ने अपने प्यार को इस कैसेट में रिकॉर्ड कर दिया, जरा तुम भी सुन लो।
मैं उसका फ्रेंड जैसा, गलत मत समझना। ये सुनकर मुझे शाम 5 बजे फोन करना और अपनी ओपिनियन बताना, ओके? हाय भैया, क्या बात है? शायद 5 बजे मिलने के लिए कहा? बैठो, बता दूंगा। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। हेलो कलेक्टर सर, मैं प्रिया बात कर रही हूँ। जब आपने सूर्य के बारे में बताया, मैंने बहुत टेंस फील किया था। मुझे क्या कहना है समझ में नहीं है। जब मैंने पहली बार सूर्या को देखा था, मुझे बहुत पसंद आया है। कभी उससे बात करने का चांस ही नहीं मिला। जब मेरे मन की बात सूर्या की तरफ से आपने कहे, तो दिल ही दिल में मैं बहुत खुश हो गई। जिस तरह से वो मेरे मन में है, मैं भी उसके मन में हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। ये बात जानकर मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकती। जल्दी आपके घर में बहू बनकर आना चाहती हूँ। उस दिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 4 गुंडे ने मुझे छेड़ा, तब सूर्या ने वहाँ आकर उनसे फाइट की और मुझे बचाया। अब आपके बात से मालूम हुआ वो मुझे प्यार करता है, इसलिए वो मुझे बचाया। जो मेरे मन में है वो आपसे मैंने बता दिया, मगर सूर्या से आई लव यू कैसे कहूँ ये बात समझ भी नहीं आ रही है। आई लव यू प्रिया। हाँ कलेक्टर सर, आप ऐसी बातें सर, सूर्या से लव करती हूँ, आपसे नहीं। मैं सूर्या बात कर रहा हूँ। सूर्या, we'll be right back.
बैठो सूर्या। सारी दुनिया मां, कहीं से भी मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, कोई मेरा नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं देख रहा हूं पिताजी भी अपनी मां की तरह मुझसे अलग हो गए हैं। हाँ मां, मुझसे बात करती है तो एक बेटा समझकर तो बिल्कुल बात नहीं करती, बल्कि एक कलेक्टर की तरह मुझे इज्जत देती है। मैं बेटा पहले, कलेक्टर बाद में हो ना। ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, शायद आप जोक कर रहे हैं। नो जोक्स। बर्थडे केक जब मैं उसे खिलाने पहुंचा तो वो नहीं खाई, लेकिन तुम्हारे हाथ से खाया उसने। दैट्स द डिफरेंस। लाडले बेटे हो। अरे ये क्या गलतफहमी है, मां को केक पसंद नहीं है, अगर उसे जबरदस्ती मैं नहीं खिलाता तो नहीं खाती वो। आप देखते रहे और मैंने थोड़ी ज्यादा दी की मां से, इसमें प्यार कम और ज्यादा की क्या बात है। ए सूर्या, बेकार में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं रे नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूं, सब समझ में आ गया, कोई अपना नहीं, मां बाप छोटे को ही चाहते हैं। आप ज्यादा मत सोचिए, मैं अभी आया। आए ना दो। मैं तुम्हें तो डिस्टर्ब नहीं कर सक रहा हूं, बल्कि अपने आप को डिस्टर्ब कर ले रहा हूं। मैं तुम्हें जो कुछ भी बताना चाह रहा हूं, भले ही वो तुम्हारे समझ में ना आए, लेकिन एटलीस्ट बैठकर सुन तो सकते हो ना। आज वो लड़की मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है ना तुम्हारे लिए। हे, मैं एक कलेक्टर का स्टेटस छोड़कर एक मामूली मीडिएटर की तरह तुम्हारी बात लेकर उस लड़की के पास गया था, अब तो मुझे अपनी चप्पल से खुद ही को मार लेना चाहिए। हमारे माँ बाप भी बहुत अजीब हैं, दोनों बेटों को दो आंख कहते हैं, मगर एक आंख में तो मक्खन लगाते हैं और दूसरी आंख में चूना। छोटे पौधे को पानी देते हैं, पेड़ बनने पर काट देते हैं, मगर तूफान से भी हिलने वाला नहीं है ये रघु। जो तुमने गोल्ड चेन मांगी थी वो आ गई है। यस बेबी, तुम्हारी इस चेन के लिए गली गली, ओ सॉरी, हर हर दुकान पर जाकर ऑर्डर देकर तैयार करवा दिया है भाई ने। कैसे है माँ? कैसी है बेबी? ओह माय गॉड, सो क्यूट। पसंद आई तुम्हें? बहुत अच्छा है भैया। लाओ तुम्हारे पैर में पहना देता हूँ। हाँ, नहीं नहीं भैया, मैं पहन लेती हूँ। नहीं माँ, मैं पहनाता हूँ। नहीं भैया, हाथ में दे दो, मैं खुद पहन लूंगी। दे दो ना भैया प्लीज। थैंक यू। क्यों भैया, फील हो रहे हो? प्रिया बड़ी हो गई ना, इसलिए शर्मा रही है। अरे ऐसा नहीं है भैया, भाई का पैर बहन पकड़ सकती है, लेकिन बहन का पैर भाई नहीं पकड़ सकता, ऐसा सोच रही है वो। आजकल तुम अकलमंद हो गए हो। थैंक्स।
ए, सब लोग इधर क्या कर रहे हो? बहन के साथ कोई नहीं गया? भैया हम सब लोगों को मना करके कार लेकर गई है बेबी। ऐसा किया उसने? वो कार में अकेले गई और सब देखते रहे। जाओ निकलो यहाँ से, साथ रहो। देखो ये स्काईलाइन थिएटर की टिकट है, अभी शो शुरू होने में कुछ देर बाकी है, बस एक मिनट। हेलो भैया, मैं सूर्या बात कर रहा हूँ। हाँ कहो सूर्या। इधर पिक्चर देखने के लिए स्काईलाइन थिएटर में आ गए थे हम दोनों। पिक्चर देखने के बाद मुझे आने में देर हो जाएगी, माँ परेशान होगी। माँ को मैनेज कर लो ना भैया। अच्छा ओके, तुम एक काम करो, उस थिएटर का ओनर प्रकाश जायसवाल है, उससे मिलकर मेरा नाम कहो और बॉक्स के पूरे टिकट्स तुम खुद ले लो। तुम प्रिया अकेले में देखो, ऐसा करने में सेफ्टी है, तुम समझ गए? हाँ, बॉक्स के टिकट्स मैं पहले ही ले चुका हूँ। ओ आई सी, ओके। मुझे दो। हेलो। हेलो भाई साहब। ओ प्रिया। हाँ मैं प्रिया। हाउ आर यू प्रिया? फाइन, आप कैसे हैं? ओ या आई एम फाइन। प्रिया पिक्चर खत्म होते तुम फौरन घर चले जाना, अगर ये बात तुम्हारे भाई को पता चल गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके ओके, आप जैसे कहें। ओके बाय, टेक केयर। हेलो, क्या मैं शिवा से बात कर रहा हूँ? हाँ शिवा ही बात कर रहा हूँ, तुम कौन हो? तुम्हारी बहन प्रिया एक लड़के के साथ पिक्चर देखने गई है, मालूम है? मेरे सामने आकर कहो रे। ये स्ट्रेट आकर कहने की बात नहीं है शिवा, तुम्हें स्ट्रेट वहाँ जाकर देखने की है। ए, मेरे बहन के बारे में मुझे मालूम रहे। ओके कूल कूल, मेरी बात सुनो, स्ट्रेट स्काईलाइन थिएटर जाओ, वहाँ वो लड़का और तुम्हारी बहन अकेले बॉक्स में मिल जाएंगे तुम्हें, उन्हें देख कर आगे क्या करना है तुम खुद डिसाइड कर लो। अगर ये बात गलत निकले तो देख लेना, तुझे टुकड़े कर दूंगा। Oh!
हेलो 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 भाई साहब, मैं कौन है आप? मैं प्रिया, भाई साहब मैं प्रिया बात कर रही हूँ। प्रिया क्या बात? कुछ गुंडे ने सूर्य पर हमला किया है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, आप जल्दी आइए, जल्दी भैया जल्दी। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। पिताजी टेंशन मत लीजिए आप, प्रिया थोड़ा बाहर आना प्लीज। तुम घर को जाओ माँ, सूर्या को हम देख लेते हैं। माँ मगर ये जो आए हैं ना, ये हमारे पिताजी हैं। ऐसे समय में तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, तुम घर चले जाओ, जाओ प्लीज। रघु ये कैसे हो गया? हाँ शायद आपको पता है शिवा। हाँ पता है रोड़ी। अभी आपने यहाँ पर जो लड़की देखी वो है उसकी बहन, शायद हमारे सूर्या के साथ उसका प्रेम का चक्कर है, उसके भाई के साथ ही उन्हें इसे पीटा। ऐसी बातें तो मार देते हैं कि हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। रास्कल आपके टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब मैं देख लूंगा। किसी जानवर को पीटे जैसा पीटा है बदमाशों ने। इतना बड़ा गुंडा हो गया है तू, मेरे बेटे पर हाथ उठा था, एसीबी के बेटे पर हाथ उठा था, कुत्ते को मारे जैसे मारा है मेरे बेटे को, क्या समझ आ गया आपको? थोड़ा कंट्रोल में रहिए। हे शिवा, जिस तरह तुम अपनी बहन को प्यार करते हो उसी तरह हम भी अपने भाई को बहुत चाहते हैं। इसको समझाने की क्या जरूरत? पिताजी उससे भी बात करने दीजिए। सर किसी की बहन अगर अंधी से प्यार करे तो उसे तकलीफ होगी, मुझे भी टेंशन हुआ था, मगर जब मुझे पता चली वो बात कि उसका पिता एसीपी है, बड़ा भाई एक कलेक्टर और उसका प्रेमी डॉक्टर है, तो मैं बहुत खुश हो गया। इतनी बड़ी और अच्छी फैमिली, ऐसा रिश्ता क्या मैं खुद कभी ला सकता था क्या सर? इसीलिए शादी के बाद तय करने मैं खुद आपके पास आने वाला था। ये मैं आपको मेरी बहन की कसम खाकर कह रहा हूँ सर, मेरे घर को आने वाले मेरे जीजा को मैं भला क्यों मरवाऊंगा? ओके छोड़ दो, पिताजी ने गुस्से में कुछ कह दिया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। शिवा सर, एक अच्छा दिन देखकर हमारे घर को आ जाना, वहाँ पर शादी की बात कर लेना। क्या बात है, इतना परेशान क्यों लग रहे हो आप? समझ में नहीं आता मीनाक्षी, मेरे इतने सालों की सर्विस में जो भी मैंने आज तक नहीं देखा वो मैं अब देख रहा हूं, वो भी मेरे अपने घर में। आश्चर्य, मैं एक सिंसियर पुलिस अफसर होने की वजह से क्या मेरे दुश्मनों ने सूर्या को मारा होगा, या रघु एक सिंसियर कलेक्टर होने के नाते उसके दुश्मनों ने सूर्या पर हमला किया होगा? कुछ समझ में नहीं आता। आज क्या डेट है उसके बारे में कुछ जानते भी हो तुम? ओ अरे आज तो माँ पिताजी का वेडिंग डे है। क्या करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे भैया। कैसे? हर साल की तरह हम सब बाहर चलेंगे। कहाँ? कुड़ी कनल। गुड, फौरन निकलेंगे। ओके ओके वन मिनट। हाँ, हम आ गए। आओ बेबी। सूर्या, प्रिया अपने भाई के साथ आई। बट क्या वेडिंग डे के बारे में बता दिया? मैंने नहीं भैया, माँ ने खुद कहा, वो याद रखकर शायद आया होगा। अरे 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 तेरे बारे में मैं सब जानता हूँ, झूठ मत कहना। जाइए भैया। ओके ओके, कैसे भी वो घर आ चुके हैं, माँ को कहकर शादी का मुहूर्त भी निकाल लेते हैं। अरे इसी बात पर आप मारे चले गए भैया, ठीक मैं अरे, चलता हूँ, सुन तो सही। हेलो, आइए अंदर बैठिए। हेलो, ओके ओके ठहरो। इतनी बड़ी गेस्ट को ये इजी ले लिया, चलो अंदर चलते हैं। माँ, प्रिया अपने भाई को लेकर आपको शादी की मुबारकबाद देने के लिए आई है। हमारे घर आई है, पिताजी को पता है क्या? आप ही उन्हें बता कर लाइए ना माँ। कौन से काम के लिए कैसे इस्तेमाल करना सब पता है इसे। बालों को कलर कर रहे हो क्या आप समझते हो कि अभी भी आप जवान हो? वो कोई मुझे बूढ़ा कहकर नहीं पुकारना है, इसलिए कहो क्या बात है। क्या आपको नहीं मालूम कि आज हमारी शादी की सालगिरह है? अरे अच्छा याद है तुम्हें। हमें विश करने के लिए हमारी बहू भी आई है।
बहू कहाँ? नीचे। हाँ? ओ, सब प्लानिंग से हो रहा है। ठीक है ठीक है, तुम नीचे जाकर उनको काफी पिलाओ, मैं भी स्नान करके आता हूँ। नमस्ते कलेक्टर साहब। वेलकम शिवा, बैठो बैठो। मेरा भी नमस्ते साहब। एसीपी साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू थैंक यू। शीघ्र में कल्याण प्राप्त रस्सु। बैठो बैठो बैठो। सर आज मैं बहुत खुश हूँ सर, एक रौडी से आपने जोड़ा है संबंध। अरे भैया ऐसे समय में ऐसी बात नहीं करते। शिवा फैमिली एक टेम्पल जैसा है, उसमें एक आदमी गलत काम किया तो पूरी फैमिली को सजा देते हैं क्या? ऐसा सोचने वाला आदमी मैं नहीं हूँ। हमारे बेटे सूर्या को प्रिया बहुत पसंद है। प्रिया अगर हमारे घर की बहू बन जाए तो हमें बहुत आनंद होगा। मगर कुछ नहीं, बड़े भाई से पहले अगर छोटे की शादी हो जाती है तो गलत बात होगी ना, इसलिए मैं अगर आपसे बात करना है। पिताजी अभी मुझे शादी की क्या जरूरत है? सूर्या और प्रिया दोनों बहुत प्यार करते हैं, उन दोनों की शादी करने में क्या गलत है? क्या बात कर रहा है, उसकी शादी तो उससे पहले अगर हो जाए तो समाज में लोग क्या कहेंगे? लोग तो कुछ भी कहते ही रहते हैं, लेकिन मुझे भाई की शादी इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी ये काम हो सकता है उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। शादी करना तो मन में है, ऊपर से ये नाटक क्यों पिताजी? क्या कहते हैं आप? कुछ नहीं, तुम जो कह रहे हो वही ठीक है, चलो देखते हैं आओ। कोई बात नहीं शिवा, इस साल सूर्या की पढ़ाई खत्म होने वाली है, पढ़ाई के बाद ही शादी करेंगे, लेकिन अभी एंगेजमेंट कर लेते हैं, यही बात रघु भी कहता है। अच्छा शिवा अभी तो हम कड़े कैनाल जा रहे हैं, वहाँ से आने के बाद एंगेजमेंट कर लेंगे, तुम तैयारी करो। जी सर। आप देख लेना सर, एंगेजमेंट भी हम शादी की तरह ही करेंगे। नमस्ते सर। हमें विश करने के लिए हमारी बहू भी आई है। बिल्कुल तुम्हारे लिए ना पिताजी, बाकी की बातें कड़े कैनाल में करेंगे। चलिए भैया। हाँ चलो। मुझे तो भूख लग रही है भाई। ए सूर्या जाकर अपने भाई को बुलाओ। आमतौर से लोग एक बच्चे के बीच से दूसरे बच्चे तक कुछ अंतर देने की बात करते हैं, लेकिन शायद हम बहुत ज्यादा दे चुके हैं। शादी की सालगिरह के मौके पर खुशियां मनाने के लिए हम यहाँ पर आए, तुम इस तरह खामोश क्यों हो? हाँ हसो ना। अरे घर में तो चुपचाप रहता ही है ये रघु, कम से कम यहाँ आके तो हंसना खेलना चाहिए। हमारा ये रघु है ना दिन ब दिन सीरियस ही होता जा रहा है, अगर उसे कुछ पूछा जाए तो जवाब में आ उ ई कहता है। भैया हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं, अगर आप इस तरह से खामोश रहेंगे तो माँ पिताजी का मूड भी एकदम खराब हो जाएगा, देखिए वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। ओह ये सिगरेट पीने के लिए मैं यहाँ पर आ गया था, यहाँ से व्यू देखो अच्छा लग रहा है ना, उधर देखो मन बहल जाएगा। इस एटमॉस्फेयर को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और प्रिया की याद भी सताने लगी है। शादी के बाद मैं और वो यहाँ 10 दिन के लिए हनीमून जरूर मनाएंगे। तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए, लाइफ भर हैप्पी रहो, यही मैं चाहता हूं। भैया भैया भैया
क्या इस तरह रुलाने के लिए इसने इसने मेरी कोख से जन्म लिया था? सूर्य बाइक से गिरा और उसे चोट आई, तो रघु ने उसे कार दिला दी। एक दिन में उसके कार का बंदोबस्त कर दिया। कितना हंसा खेलता था हमारा बेटा सूर्य, कितने खुश थे हम उसकी बातों में उसमें खोकर। मगर भगवान की इच्छा भी अजीब, हमारी आंखों के सामने ही थे। पिताजी देखो रखो, कल तुम्हारे साथ कमिश्नर ऑफिस में एक इंक्वायरी होने वाली है। तुमने कोड़ाई कैनाल में क्या देखा, वहां क्या हुआ था, उन्हें साफ साफ बता देना। ओके पिताजी। सूर्या, मुझे एक अच्छे से शेर याद आ गया। कौन सा शेर? अगर कोई जिंदगी में मरना चाहता है तो उसे एक बार जरूर प्रेम कर लेना चाहिए। हे, कैसे है ये? प्रिया, इस शेर को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं? कहो। अगर जीने के लिए कोई राजी हो तो उसे प्रेम को अपना लेना चाहिए। हे, फैंटास्टिक। ये सब बातें तो शेर में कहने के लिए बहुत अच्छी लगती है। जहां तक हमारी बात है, हमें खुशी से एक साथ जी लेना चाहिए, चाहे दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना हो। मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना है, बस यही मेरी ख्वाहिश है। आई एम वेरी लकी। मुझे गलत मत समझिए सर, मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूं। वहां पर क्या हुआ था, आपने क्या देखा था, वो सब हमसे कहिए सर। नो नो नो, इट्स ऑल राइट, ये तुम्हारी ड्यूटी है, नो प्रॉब्लम। क्या हुआ था वहां एग्जैक्टली, अब मैं बता रहा हूं। हमारे सूर्या की कॉलेज में किसी से दुश्मनी थी क्या? नहीं तो इलेक्शन के समय किसी से झगड़ा हो गया था क्या? नहीं अंकल, वो कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करता था, वो ऐसा था ही नहीं अंकल। सिर्फ यही नहीं, दुनिया में उससे किसी की भी दुश्मनी नहीं थी अंकल। मगर कहो बेटा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो बिना डरे कहो। किसी के अपने बहन को देखने पर 10 गुंडों को बुलवाकर पिटवाया था वो सिवा। अगर ऐसी बात है तो सूर्या क्लब को
वो कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? वो सामने कुछ नहीं कर सका, चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया। हो सकता है बाद में उसने अंकल
अच्छा डांस किया माँ, मैं बहुत खुश हूँ। भैया, सारी दुनिया शायद नहीं जानती कि आपके बर्थडे कब है, लेकिन आपके बहन होने के नाते क्या ये बात मैं भी नहीं जानती कि आपके बर्थडे कब है? ये सब आप क्यों कर रहे हैं? सिर्फ मेरी खुशी के लिए है ना? ये सब मुझे पता है भैया, ये सब मेरी खुशी के लिए आपने किया ना? आपकी खुशी भी मैंने चाही, इसलिए मैंने डांस किया। आप खुश है ना? वैसे भी मेरे सूर्या वहां पर मौजूद था। आज के बाद ऐसे नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने सूर्य को नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती भैया। हेलो। क्या माँ, तुम दोनों भाई बहन मिलकर मेरे बेटे को मारकर आप खुशियां मना रहे हो गाने बजाने के साथ? क्या कहा था? सूर्या के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती, इस बात पर हमें यकीन दिलाकर उसे मार दिया ना? बस बहुत हो गया, आप पुलिस है ना, यही सोचेंगे। सोने से पहले आप डाउट करें तक आपको नींद आ ही नहीं सकती, आप सो ही नहीं सकते, आपको यही आदत पड़ गई है। जो कहना है मुझे कहिए बस, मगर ये एक बात भी मेरे भाई को नहीं कहना। जब मैं 3 साल की थी, मेरी माँ और मेरे पिताजी कार एक्सीडेंट में मर गए। तब से मेरी माँ जैसे, मेरे पिताजी जैसे मेरे भाई ने बचपन से पाला पोसा। सुनिए, वही मेरे लिए सब कुछ है। सूर्या से मैंने प्यार किया ये जानकर, एक्सेप्ट किया है उसने। ऐसा आदमी सूर्या को क्यों मारेगा? आपके बेटे सूर्या से प्यार किया है मैंने, इसलिए आपके नजरों में हम दोषी बन गए क्या? सूर्या आपका बेटा है ये मैं मानती हूँ, आप दुखी हैं ये भी मानती हूँ, मगर जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक सूर्या के गम में मर मर कर जीऊंगी। पिताजी, खाना खा लिया? हाँ। मुझे बहुत भूख लगी है माँ, खाना लगा दो। माँ, क्या हुआ आपको? खाना लगा दो ना। तुम्हें गोभी सब्जी बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खास बनाया है आज। आज पेट भर खा लो सूर्या, खाओ ना, खाओ बेटा। इतने दिनों तुम कहाँ थे, तुम्हें अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं आया? खाओ सूर्या, खाओ ना, खाओ सूर्या, खाओ। मीनाक्षी, मीनाक्षी, ये क्या हो गया तुम्हें? नींद की गोली खाकर क्या अजीब अजीब बातें कर रही? क्या सूर्या, खाओ सूर्या। मीनाक्षी, हाँ, जाकर आराम कर लो। हे इधर आओ, माँ जी को अंदर ले जाओ। रघु, खाने की वजह ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा? भूख नहीं है पिताजी। बेचारी, तुम्हारी माँ सूर्या को भुला नहीं सक रही है। उसकी बात छोड़ो, मेरी हालत भी। मैंने तुम्हें मार दिया, मैं तो एक अपराधी बन गया। क्यों? अपने मां और पिताजी का प्रेम मुझे मिलना कहकर मैंने यह किया। यू अंडरस्टैंड, तुम मर चुके हो ना?
मरकर भी मुझे चैन से जीने क्यों नहीं दे रहा है? हाँ, उन लोगों के दिल में तुम हो और ये हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूं मैं। अब से उन लोगों का मैं ही बेटा हूं, ऐसा ही होना है। देख 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 देख, हंसना नहीं, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। मैं कोई मेंटल आदमी नहीं, हम दोनों में एक ही खून है ना, इसलिए ये सब छोड़कर मुझे अनाथ बनने के लिए कह रहे हो तुम? आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा। अरे कोई है घर में? कहां मर गए सारे लोग? अरे कोई है? क्या बात है? क्या हो माँ? यहाँ का फोटो कहाँ गया? क्या देख रहे हो? यहाँ का फोटो क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम माँ। तुम्हें पता है? नहीं माँ, मुझे नहीं पता। और तुम? मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ ना। अरे रे रे रे, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हुआ? मैं कुछ नहीं जानता। तुम जा। क्या हुआ बेबी? यहाँ का फोटो कहाँ गया? कौन सा फोटो? यहाँ पर सूर्य का फोटो था ना। ओ ओ, क्या कह रहे हो? तुम्हारे भैया ने निकाला माँ। उसने सूर्य का फोटो क्यों निकाला कहो? वो क्यों निकाला, कहाँ लेकर गया वो तो मुझको पता नहीं माँ, मगर सूर्य का फोटो उसने निकाला ये मुझे मालूम है। वो कहाँ है? औरों में। एक्सक्यूज मी, हे बेबी, ये मैंने तुम्हें बताया कहकर उससे मत कहना वरना मार डालेगा। यहाँ रहा तो ये मार डालेगी। सिर्फ एक ही तरफ नहीं माँ, हर तरफ तुम्हें सूर्य नजर आना है, इसलिए मैंने ऐसा किया। Yeah.
कहाँ जा रही हो? सर, इसका भाई शिवा इसकी शादी करने के लिए लड़के वालों से बात कर रहा था। ये देखकर ये अपने कपड़े बांधकर सूर्या के घर जा रहे हो कहकर चली जा रही थी। क्यों माँ, तुम्ही ने एक समय में अपने भाई को अपने माँ बाप भी कहकर बताया था ना, अब वही तुम्हें दूसरे घर भेज रहा है। अपने घर जा रही हो कहा है ना तुमने, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये सूर्या से तुम कितना प्यार करती हो इससे मुझे मालूम पड़ गया है। चलो। लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत ज्यादा कमाता है, सिटी में उसका ओन फ्लैट भी है। सुना है आपकी लड़की पढ़ी लिखी है, इसीलिए हमारे लड़के ने उसको पसंद किया और शादी करना चाहता है। देखिए, ये सब जानकर आप यहाँ तक आए, ये बड़ी गौरव की बात है मानता हूँ, मगर आप ये नहीं जानते कि मेरी बहन ने एक लड़के से प्यार किया है, उसका नाम है सूर्या, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। ना जाने किसकी नजर लग गई उसे मारने, किसी ने मार दिया। से क्या मतलब, शादी कर देंगे? अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, अगर किसी के घर में कोई मर जाए तो भारत लेकर जाते हैं वहाँ। देखिए, अब मैं कुछ और कहना नहीं चाहता, मैं एक रोड़ी हूँ, अपनी बहन को बहुत चाहता हूँ, वो सूर्या से बहुत प्यार करती थी, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी खुशी में मेरी खुशी है, उसकी शादी की बात कहीं और करके उसके दिल को दुख पहुंचाना मैं नहीं चाहता। आप लोग यहाँ आए हैं मुझसे उसकी शादी की बात करने के लिए, ये भी उसे नहीं मालूम होना चाहिए। आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपसे विनती करता हूँ। सर आप, ये क्या है माँ, ये लगेज कहाँ जा रही हो? मुझे माफ कर दो भैया, मैं कुछ और सोच कर आया था, मगर तुम तो बहुत महान निकले, ना जाने लोग तुमको रोड़ी क्यों कहते हैं। हैप्पी बर्थडे मामा। थैंक यू भैया। हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू दोस्त। अरे ये क्या है भाई, तेरा तो आज बर्थडे ना? नहीं रे, पहले बर्थडे को मैं टेम्पल जाया करता था फिर मिलने के लिए सूर्या के घर, लेकिन आज ना ही मैं टेम्पल गया और ना ही मिलने के लिए सूर्या घर पर है, अब मैं क्या करूं? ऐसे समय में रोते नहीं रे। जाओ रे, अकेला छोड़ दो मुझे, जाओ। इस बार मैं बर्थडे नहीं मनाना चाहता, इस बार ही नहीं, हमेशा के लिए मैंने डिसाइड कर लिया है। सूर्या के वास्ते तुम्हें मनाना पड़ेगा, क्यों? उन दिनों में मौसम चटर्जी रे, ब्लैक एंड व्हाइट रे, मिडिल में जीनत मान रे, इसमें कलर रे, मगर अब तो प्रियंका चोपड़ा, डिजिटल फिल्म का जमाना रे, प्रियंका को चाहता अब ये नया जमाना रे।
क्या रे? क्या रे? सही कहा? कहा रे? आ गए रे? इधर से? इधर से? आई आई को कोला डोरी हमारे लिए आ गए रे। शिवा, मैंने तुमसे मिलना चाहा और तुम इस मंदिर के पास मिले, ये बहुत अच्छा हुआ। कहिए सर, क्या बात है? कल मैं रिटायर हो रहा हूँ। क्या कहा? रिटायर हो रहे हो? मगर सूर्या का केस? क्यों शिवा, फैन के नीचे बैठकर मैं आराम कर रहा हूँ सोचा है क्या? जिन जिन पर डाउट है उनको पकड़कर बहुत मारा पीटा मगर क्लू नहीं मिला। ऐसा कहते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है? हे, क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ पता है, ये एसीपी है, मगर क्या फायदा? जिस दिन मेरे बहन के सूर्या का मर्डर हुआ था, अगर मैं उसी दिन उसकी कातिल को मार मार कर खत्म कर देता तो अच्छा होता। बाप कमिश्नर,
बड़ा भाई करेक्टर, ये सोचकर मैं खामोश रहा। आज मैं इतना मजबूर हो गया हूँ कि मेरी बहन की मांग में सिंदूर भी नहीं भर सकता है। शिवा जाने दीजिए सर, अब मुझे पता चला आप और आपका पुलिस डिपार्टमेंट कुछ भी कर नहीं सकते। क्या है जी, ये कहे जा रहा है और आप इसे सुनते जा रहे हो? बड़े घर में मेरी बहन जा रही है सोचकर सर मैंने रोडी जोन छोड़ दिया था, मगर आज मैं कहता हूँ 24 घंटों के अंदर अगर मैं उसको पकड़ नहीं सका तो मेरा नाम शिवा नहीं। चलो मैं जाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, हम इस जगह से परेशान हैं और ये फाइव स्टार होटल समझ रहा है इस जगह को। जो मन में आया बके जा रहे हो? बाहर तंग आ चुका था, यहाँ रेस्ट करने के लिए आया तो भाषण देकर मुझे सोने नहीं दे रहे हो? अगर ये करे तो जाकर बाहर गिरेगा सारा। सर ऐसे ही सर, खाना खा लिया? खा लिया रे। अगर नहीं खाया तो पैसे देने के लिए सोचा था। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमें दूसरा सेल में डालो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरा भी वही रिक्वेस्ट है। तुम तीनों को बेल हो गई है, बाहर निकलो। बाय। चला चला चला। बंद कर लो जी, बंद कर लो, हमारे लिए भी बड़े लोग आएंगे। कौन है वो बताओगे? क्या मजाक कर रहा हूँ समझे क्या? मेरा स्टाइल एकदम सेपरेट है। आपको डायल करने का नंबर 9848032123। क्या सोच रहे हो, हाईटेक फैंसी नंबर है ना? वही कलेक्टर का नंबर, फोन करो यू आ जाएगा। सर मैं थ्री टाउन पुलिस स्टेशन से ऐसे बात कर रहा हूँ, यहाँ एक रोडी शीटर आपका नाम ले रहा है। मुझे यहाँ से निकालने का। अरे एक मैं ही हूँ क्या, तुझे और कोई नहीं मिला छुड़ाने वाला? सब अपने अपने वीआईपी रिश्तेदारों को बुलाकर बेल ले लिए, मैं तो सिर्फ आपको ही जानता हूँ ना, इसलिए कहना पड़ा। hey, यू फूल, आइंदा मेरे सेल पर कॉन्टैक्ट मत कर। ओके कलेक्टर साहब। सर आइंदा कोई काम हो तो याद कर लेना। अच्छा हुआ ऊपर से नहीं गया। एक दो तीन चार। अरे कलेक्टर रघुराम पुलिस स्टेशन के सामने एक गुंडे के साथ। भैया भैया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सूर्या को इसी ने मारा था। मारा तेरा एक दो। क्या यही है? कंफर्म यही है भैया। अरे कोई है, अरे अरे कोई है, बचाओ, तो मुझको भी बड़ा गुना है। अरे बचाओ। बैठ जाओ। इससे पहले डिपार्टमेंट कहे तो कुछ ऐसा था, पुलिस वाले एक नंबर के फ्रॉड, रिश्वत लेने वाले और पब्लिक के लिए काम में नहीं आने वाले। मगर हमारे विनायक राठौर जी जब से हमारे डिपार्टमेंट में आए तब से हमारा डिपार्टमेंट एक नया रंग ला लिया है। पुलिस को पब्लिक इज्जत देने लगी। तुम लोग अपना काम हिम्मत से करो, मैं हूँ तुम्हारे पीछे ये कहने वाला। विनायक राठौर जी आज रिटायर्ड होकर हमसे जुदा हो रहे हैं। मुझे यकीन है कि सिर्फ मैं ही नहीं, आप सब भी इन्हें विदा करते हुए बहुत दुखी होंगे। सारा डिपार्टमेंट राठौर जी पर आज फख्र करता है क्योंकि इन्होंने अपनी सर्विस में जो केसेस टेकअप किया उन्हें सॉल्व किया और सीबीआई को कोई चांस ही नहीं दिया। अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कुछ कहें। इतना बड़ा फंक्शन अरेंज किया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतने सालों की सर्विस में मैंने ड्यूटी बहुत ठीक निभाई है, मगर अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, दिल बड़ा अजीब हो रहा है। मेरी ड्यूटी के समय में एक से एक खतरनाक मुजरिमों को मैंने पकड़ा और उन्हें सजा भी दिलवाई है, मगर आज मेरे बेटे की हत्या हो गई है। ये किसने किया और क्यों किया मैं इसका पता नहीं लगा सका। मेरा बेटा, बाप होने के नाते उसके लिए मैं कुछ भी अभी तक नहीं कर सका हूँ।
इतने सालों की मेरी पुलिस सर्विस लगता है कि वेस्ट हो गई। अगर आप लोग मुझे कुछ ऑनर देना चाहते हैं तो मेरे जाने के बाद मेरे बेटे की हत्याकांड की इंक्वायरी आप लोग जरूर करना, वही मेरे लिए ऑनर होगा। आप लोगों को छोड़कर जाने के लिए मेरा मन बहुत दुखी हो गया है। हेलो, इमरजेंसी कहकर क्यों बुलाया शिवा? जो आपकी डिपार्टमेंट से हो नहीं सका वो एक रौडी से हुआ है, इसलिए यहां बुलाया। सूर्या केस में अगर कोई बड़ा आदमी हो तो आप एक्शन लेंगे? कोई भी होने दो, इमीडिएट एक्शन लूंगा मैं। अगर वो जज है तो? होने दो क्या? अगर कोई पुलिस ऑफिसर हुआ तो? कॉलर पकड़ कर ले जाऊंगा। अगर वो कलेक्टर है तो? अगर वो मुजरिम है तो हथकड़ी डालकर रोड पर घसीटूंगा। तो आप अपने बेटे को हथकड़ी डालकर रोड पर घसीटो। ये क्या कह रहे हो? ये मेरे रौड़ी का काम है। सूर्या के खातिर को पकड़ने में मेरे ट्रीटमेंट के बारे में कहा था ना, उसका एविडेंस है ये। मत मारो, कह दूंगा। साहब मैं रौड़ी हूँ, कॉन्ट्रैक्ट पर मारता हूँ। कलेक्टर साहब ने एक दिन उस फोटो में 100 आदमी को मारने को कहा और इस मारपीट को वीडियो रिकॉर्डिंग करके देने के लिए भी कहा उन्होंने। वैसे ही किया, अब तक 3 कैसे दे दिया उनको। साहब कलेक्टर साहब ने अपने भाई को ही मारने के लिए कहा, ये बात अब तक मुझको मालूम नहीं है। हम सिर्फ लोगों को मारते हैं साहब, मर्डर नहीं करते। अगर आपको मेरे बात पर शक है तो एक दिन पहले जब मैं बार पर गड़बड़ी किया तो पुलिस ने मुझको पकड़ लिया था। वो 3 टाउन पुलिस स्टेशन वाले थे, वहां से मुझको कलेक्टर साहब ने ही छुड़ाया। कलेक्टर रघुराम यहाँ पर आया था क्या? यस सर, आए थे सर। एक राउडी शूटर को श्योरिटी देने के लिए आए थे। माँ जी आप ये क्या कर रहे हो? साहब आज रिटायर हो रहे ना, उनकी नजर उतारनी है इसलिए। अब इसकी जरूरत नहीं, हट जाओ। कम ऑन सर। क्या जी, क्या हुआ? तुम्हारी माँ जी होश को बैठी, उसे हॉस्पिटल ले जाओ, जाओ। आज मेरे पिताजी विनायक राठौड़ जी रिटायर्ड हो रहे हैं। शाम में छोटा सा फंक्शन है, आप सबको उसमें आना है। अकेले नहीं, फैमिलीज के साथ आइए। आप भी जरूर आना। हाँ, तुम भी अपनी फैमिली को लेकर आओ। ओके सर। यस, क्या है ये? अरेस्ट वारंट। कलेक्टर को अरेस्ट वारंट। Have a nice day.
और मारिए मारिए। क्यों सोच रहे हैं हा? हा? आपका बेटा हूं मैं, बेटा होने के नाते कई सालों के बाद आज मार खा रहा हूं मैं, बहुत खुश हूं मैं। और मारिए ना। सूर्य पैदा होने से पहले आपका प्यार मेरे लिए था, आप बचपन से लेकर मुझे आपने सूर्य के पैदा होने तक आपने मुझे कभी दूर हटने नहीं दिया, अपने सीने पर सुला लेते थे कभी आप मुझे। आपका सूर्य जब पैदा हुआ था वो आपको इतना प्यारा क्यों हो गया, अनाथ बना दिया मुझे क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये बात क्यों समझ नहीं सके आप, मेरी माँ वो भी समझ नहीं सकी। क्यों, मुझे ही मिलना चाहिए था वो प्यार, मगर नहीं मिला, मुझे नहीं तो किसे भी नहीं। वो कौन है बीच में बांट लेने वाला, उसे प्यार नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए उसे दुनिया में नहीं रहना चाहिए। उसलिए मेरा भाई आपको पैदा हुआ सो दूसरा बेटा मेरा दुश्मन, मैंने ही उसे मार दिया है। जाइए जो चाहते कर लीजिए जाइए। 35 years की सर्विस में मुजरिमों को पकड़कर पनिशमेंट अभी तक देते आए हैं, रिटायरमेंट का वक्त आया तो ये आपका बेटा निरपराधी को पकड़कर आप जो सजा दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। इतने सालों में आपने जो नाम कमाया उस पर थूको, तुम जैसे मां बाप मुझे नहीं चाहिए, जाओ जाओ। और मारना है क्या, मारो। जिस बेटे को हम अपने छाती से लगा के सुलाया करते थे आज उसी बेटे को तुम एक कुत्ते की तरह मार के आ रहे हो ना, दोनों को इसी कोख से जन्म दिया था मैंने, एक बेटा बुरा निकला और दूसरा इस दुनिया में नहीं, अब हम उसे वापस तो नहीं ला सकते, कम से कम जो है हमारे पास उसे तो बचा सकते। आप तो पुलिस वाले हैं, अगर आप मर जाते हैं तो पुलिस वाले आपको सलामी देकर आपकी चिता जला देते, मगर मैं तो एक साधारण माँ हूँ ना, मेरी चिता को जलाने के लिए मुझे मेरा रघु चाहिए बस। हमारी शादी के बाद आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगती हूँ, मेरे रघु को फांसी मत दीजिए। मैं कानून तोड़ने के लिए नहीं कहती, बस इतना चाहती हूँ कि रघु को कुछ नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी कर लीजिए, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, आपकी मीनाक्षी आपकी नहीं रहेगी, देख लेना आप। जो तुम्हारे मन में है वो तुमने कह दिया। मीनाक्षी, सूर्य हमारा छोटा बेटा, रघु का सगा भाई, उसने उसे उसने गलत किया, मगर वो तो हो चुका है ना, उसके बारे में अभी आप कुछ मत सोचिए। मैंने तो अपने दिल को एक पत्थर बना दिया अभी। शाबाश प्रिया, जला लो माँ। हम्म
इस घर को नहीं छोड़कर मैं इधर ही क्यों बैठा हूं तुझे मालूम है? अभी ये जो तुम कर रही हो वो नहीं होना है कहकर सूर्या का खातिर कोई और नहीं उसका भाई ही है, ये बात जानकर तुम सुसाइड कर रही हो मां? कितनी बेवकूफ हो, क्या तुम ये बात नहीं जानती? कन्निका के पति को जब लोगों ने मार दिया था तो उसने सुसाइड नहीं किया बल्कि उस पूरे गांव को ही जला दिया उसने। पुलिस लोगों को कानून में कितने लूपहोल से सब पता है मां, वो ऐसी अपने बेटे को अच्छा है कहकर नहीं छोड़ाने मां। अगर मैं चाहूं तो उसका सर ला सकता हूं मगर ऐसे नहीं। जिसने मार खाया है उसे ही मारना है। तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगाना था मगर आज मैं तुम्हारे हाथों में एक रिवॉल्वर देने के लिए मजबूर हूं। आज कोर्ट जो जजमेंट देगी उससे कोई मतलब नहीं, जब तुम्हारे रिवॉल्वर से निकली हुई गोली उस कलेक्टर के टुकड़े उड़ाएगी तब मुझे सुकून आएगा, वही असली जजमेंट होगा। अगर वो तुम्हारी गोली से बचकर बाहर आ गया समझो तो मेरा आदमी उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये तो होना ही है। मिस्टर राघु, आपके इस अदालत में दोषी होने के सारे सबूत मौजूद हैं। अगर आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। मेरे भाई को मैंने नहीं मारा है, वो मेरे अपने माता पिता हैं। इन्हें बच्चा चाहिए कहकर दुनिया के हर एक मंदिर में प्रार्थना की थी इन्होंने, इनको भगवान ने भीख दे दी, वो भीख मैं ही था, उन लोगों का प्यारा बेटा मैं ही था। मुझे 10 साल आने तक उन लोगों की आंखों का तारा कोई और नहीं, मैं ही था। मेरे लिए ये सब कुछ थे, मैं भी इनका था। मुझे दुनिया से मतलब नहीं, इन्होंने जो प्यार मुझे बांटा उसी को मैंने जिंदगी समझ लिया। लेकिन मुझे 10 साल होने के बाद और एक बेटा पैदा हुआ था, उसके बाद मैं कौन हो गया? म्युनिसिपल कुंडी से उठाए जैसा हो गया था मैं, मुझे ये अनाज जैसा देखने लग गए थे। अपने भाई को मारना मैं अभी भी गलत नहीं मानता योर ऑनर, क्योंकि उसका कारण तो ये लोग हैं। जो प्यार मुझे अपने माता पिता से मिला है उसका किसी को भागीदार बनाने के लिए मैं कभी तैयार नहीं था। अपने मां बाप के लिए अपने अंदर जो प्यार मैंने बढ़ाया था वो अंदर ही अंदर जहर बनता चला गया। उस दिन की राह देखता रहा मैं कि कब उसे मैं खत्म कर सकता। आया एक दिन वो मौका मुझे मिल गया, उसका इस्तेमाल मैंने कर लिया। गलत नहीं समझा था, बहुत गुस्सा था, कितने सालों से था वो मेरे अंदर, अंदर ही अंदर जलता रहा। मेरे पिता के हाथों से मुझ जैसे बेटे को मौत चाहिए। हमारी मां भी रहना उधर, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है युवराज। एक चुप रह, जो मन में है वो बक्के जा रहे हो। जज साहब, क्या मैं उसे एक मिनट बात कर सकती हूँ? यस, प्रोसीड। क्यों रे, क्या हम तुम्हें कोई कचरा कुंडी से अनाथ है कहकर उठा कर लाए थे क्या? तुझे दिल नहीं है क्या? क्यों रे, पिताजी के हाथ तो मरेगा और ये चाहते हैं कि मैं वो देखूं?
क्या तू जानता है कि माँ का अर्थ क्या होता है? एक बेटे को जन्म देने के लिए पुनर्जन्म लेती है एक औरत, क्या ये बात तुम्हें पता है? अपने पीछे पड़ने वाले मर्द को चलो जाओ कहकर अपने बेटे की तरफ, अगर वो नहीं चाहिए कहो भी तो बेटे को नहीं छोड़ती। अरे एक परिंदा भी अपने उड़ने वाले बच्चों को छोड़कर अपने छोटे बच्चे को दाना खिलाता है, क्या ये भी नहीं मालूम? अरे तू ये भी भूल गया कि वो तेरा अपना भाई था, उस पर तुझे इतना भी रहम नहीं आया बदमाश? अरे क्या यही देखने के लिए मैं जिंदा हूँ? मुझे मारता तो बेहतर होता। अरे एक बेटे को दूध पिलाकर के दूसरे को पानी पिलाया था मैंने, क्या रे? एक माँ को अभी तक नहीं समझ पाया रे तू? तू जा रे, तुम जाओ। जब तू हमारे गोद में आया था तो तू नहीं जानता कि हम कितने खुश हुए थे। अगले जन्म में माँ होकर पैदा हो जाओ, माँ होकर पैदा हो जाओ, माँ होकर पैदा हो जाओ, माँ होकर पैदा हो जाओ। माँ, 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 माँ। यूर ऑनर, मेरा नाम सूर्या है। मेरा भाई रघु ने मुझे मार दिया कहकर यह केस चल रहा है, लेकिन मैं नहीं मरा, मैं जिंदा हूं यूर ऑनर। सूर्या, सूर्या, अजय क्या ये सपना तो नहीं? असल में क्या हुआ मैं बताना चाहता हूँ। Yes, proceed. हर एक साल अपने माता पिता का वेडिंग डे मनाना हम दो भाई डिसाइड करते। इस साल कोडाईकनाल में मनाने की सोचा। मेरे माता पिता मैं छोटा होने की वजह से मुझे बहुत चाहते थे, ये मेरा बड़ा भाई बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे मुझ पर कितना गुस्सा है ये कोडाईकनाल जाने पर मालूम हुआ, क्योंकि उसने मुझे नीचे खाई में ढकेल दिया। लेकिन मेरे भाग अच्छे थे, गिरते समय मुझे एक पेड़ का सहारा मिल गया, फिर मैं किसी तरह से ऊपर पहुंचा। बाद में जब मैंने ये देखा कि मेरा बड़ा भाई मेरे गिरने को कुछ गुंडों की साजिश बताकर अपने माँ बाप का प्यार हासिल करना चाह रहा है, तब मुझे मालूम हुआ कि वो मेरी मौजूदगी में अपने माता पिता के प्यार के लिए कितना तड़प रहा था। अपने माता पिता से मैं कुछ ही दिन दूर नहीं रह पाया हूं, लेकिन मेरा बड़ा भाई 20 सालों से उनसे दूर रहता आया है। अब आप ही कहिए ये कितना तड़पा होगा। इस दुनिया में अच्छे माँ बाप रहते हैं, मगर एक अच्छा भाई मिलना मुश्किल है। मेरे भाई को मैं अच्छा मानता हूं, अगर मेरे जिंदा रहने की बात भाई को मालूम पड़ जाती तो वो बहुत दुखी हो जाता। इसीलिए मैं इतने दिनों तक भाई की खुशी के लिए सामने नहीं आया, लेकिन आज मेरे इनोसेंट भाई को बचाने के लिए आना पड़ा। मैंने गलती की। सूर्या, मेरा बेटा। सारे हालात सुनने और समझने के बाद
अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रघु की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण उसे जेल की सजा के बजाय हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाने का आदेश देती है।